स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो क्वेश्चन नंबर 12 से ही रिलेटेड है, यानी उसका एक एक्सटेंड पार्ट है। तो हमसे कहा गया है हमारे पास जो दोनों चार्ज थे QA और QB क्वेश्चन नंबर 12 वाले, तो मान लीजिए इसका चार्ज मैं ले लेता हूँ Q और B का चार्ज भी Q, क्योंकि दोनों चार्ज क्या थे, सेम थे। अब हमसे क्या कहा गया है कि जो चार्ज ए है, बॉडी ए है, उसके कांटेक्ट में हम एक थर्ड चार्ज लेकर आते हैं सी, जिस पर कितना चार्ज है, चार्ज ए पर कितना चार्ज है क्यू, और उसके कांटेक्ट में हम एक थर्ड चार्ज, थर्ड बॉडी लेकर आते हैं सी, जिस पर चार्ज कितना है, जीरो। ए पर चार्ज क्यू और सी पर चार्ज जीरो, दोनों को कांटेक्ट कराया। तो जब दोनों को कांटेक्ट कराया तो कंडक्शन मेथड से ये इसको क्या करेगा, चार्ज ट्रांसफर करेगा। तो जब इनको टच कर दिया गया तो दोनों के टच करने के बाद दोनों पर कितना चार्ज हो जाएगा, तो उसका फॉर्मूला है दोनों को जोड़ दीजिए और टू से क्या कर दीजिए, डिवाइड, यानी क्यू प्लस जीरो डिवाइडेड बाय टू, क्यू प्लस जीरो डिवाइडेड बाय टू। तो यानी दोनों पर ए पर कितना चार्ज बचेगा, क्यू बाय टू, और सी पर कितना चार्ज बचेगा, क्यू बाय टू। ओके, अब हमसे कहा गया है कि ये जो चार्ज सी है, अब इसको हम लेके आएंगे जो बॉडी सी है जिस पर चार्ज है क्यू बाय टू, उसको किसके पास लेके आएंगे, बॉडी बी के पास। तो जब हम सी को लेके आए इसके पास, तो सी के पास ऑलरेडी कितना चार्ज आ चुका है, क्यू बाय टू। तो लेट्स सी कंडक्शन मेथड से दोनों पर कितना चार्ज आ जाएगा। तो इस पर चार्ज है क्यू, इस पर चार्ज है क्यू बाय टू। फॉर्मूला क्या बताया, दोनों के चार्ज को जोड़िए और टू से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 3 क्यू बाय 4। ओके, तो यानी अब बी पर कितना चार्ज रह गया, 3 क्यू बाय 4, और सी पर कितना चार्ज रह गया, 3 क्यू बाय 4। तो हमसे कहा गया था ए और बी दो बॉडी हैं जिन पर चार्ज क्या था, क्यू और क्यू इक्वल। पहले हम एक थर्ड बॉडी सी को ए से टच कराते हैं जिस पर जीरो चार्ज है। दोनों को टच कराने से दोनों पर कितना चार्ज हो जाएगा, q by 2। कैसे, दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2, दोनों का चार्ज ऐड कीजिए और 2 से डिवाइड कीजिए। फिर इसको हम बी के पास लेके आए, दोनों को टच कराया, तो अब दोनों पर कितना चार्ज हो जाएगा, तो बी पर पहले से ही क्यू चार्ज था, सी पर कितना आ गया था ए से टच कराने पे, q by 2, दोनों को ऐड कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, यू विल गेट। तो अब बी और सी पर कितना चार्ज आ गया, 3 क्यू बाय 4। अब हमसे पूछा गया है, अब बताइए ए और बी के बीच में कितना फोर्स लगेगा। नाउ द चार्ज ऑन बॉडी ए इज क्यू बाय टू एंड चार्ज ऑन बॉडी बी इज 3 क्यू बाय 4, और हमसे पूछा गया है कि अब दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा। आर वही है हमारा 50 सेंटीमीटर जो क्वेश्चन नंबर 12 में था। तो एफ इज इक्वल टू के मॉड ऑफ चार्ज ए मॉड ऑफ चार्ज बी अपॉन आर स्क्वायर। एफ इज इक्वल टू के, बेटा क्यू ए की वैल्यू कितनी हो गई, क्यू बाय टू, इसकी वैल्यू 3 क्यू बाय 4 अपॉन आर स्क्वायर, डिस्टेंस उतनी ही रखी गई है। तो ये हमारा सॉल्व करके आ जाएगा 3/8 के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। एफ इज इक्वल टू 3/8। अब देखिए ये क्या चीज है, ये वही डाटा है जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 में था। ए की वैल्यू हमें मालूम है, दोनों चार्ज की वैल्यू हमें मालूम थी, और आर की वैल्यू हमें मालूम थी। तो क्वेश्चन नंबर 12 में के ए पार्ट का जो आंसर आया था वो कितना आया था, 1.5 × 10⁻²। तो हम दोनों के बीच पहले फोर्स कितना था, जब दोनों पे चार्ज कितना था, क्यू और क्यू, तो इतना आंसर आया था। तो अब इस कंडीशन में कितना आएगा, तो ये हमारा हो जाएगा एफ इज इक्वल टू, जब आप इस पूरे डाटा को सॉल्व करेंगे, तो 5.7 × 10⁻²।
-3 न्यूटन. दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. आप इसको सॉल्व कीजिए, यू विल गेट दिस आंसर. तो क्वेश्चन आया सुन में, तो 12 क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट ए पार्ट बी और क्वेश्चन नंबर 13, ये सब वन बाय वन प्रोसेस है, सब रिलेटेड है. तो वेरी इजी न्यूमेरिकल.